सो लेटर, लेटर जो है आपके पास, अ लेटर इज अ रिटन और अ प्रिंटेड मैसेज एड्रेस टू अ पर्सन यूजुअली सेंट बाय पोस्ट। इट इज एन एड्रेस डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल, फॉर्मल और इनफॉर्मल काइंड ऑफ वेरियस पर्पजेस। एक लेटर जो है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो टू एंड फ्रॉम वाली चीज़ है कि हु इज़ द सेंडर एंड हु इज़ अ रिसीवर। अ लेटर कुड बी अ पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन टू पर्सन और इट कुड बी अ बिजनेस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इट कुड बी अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट कुड बी अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट और इट कुड बी एन इनफॉर्मल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें, दीज ऑल फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ द लेटर राइटिंग। आगे चलते हैं। थिंग्स टू कंसिडर वाइल राइटिंग द लेटर्स। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यार माइक तो यहाँ से ऑन है। आवाज आ रही है सर, इंटरनेट का इशू होगा सर। चले चले, थिंग्स टू कंसीडर वाइल राइटिंग द लेटर्स। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए आपको जब भी अभी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटर लिखें, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज डोंट ऑफर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी लेटर के अंदर कोई एड्रेस है, कोई डेट है, कोई रेफरेंस नंबर है या उसके अंदर प्रोवाइड की गई इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन है, वो मिसलीडिंग ना दे। जो फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही है चीज़, उसी चीज़ को जो है आप कन्वे करें। डोंट मेक प्रोमिसज विच यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू कीप। जिस प्रोमिस को करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है उसको अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर सेल्स मैनेजर थे, आपसे कोई प्रोडक्ट मंगवाई किसी कस्टमर ने, आपने प्रोडक्शन लाइन से कंसल्ट किए बगैर उन्हें 15 दिन का टाइम दे दिया और जब आपने प्रोडक्शन टीम से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो ऑर्डर है मिनिमम इट विल टेक 1 मंथ, यानी कि 30 दिन चाहिए इस ऑर्डर को करने के लिए। अब क्या होगा, शर्मिंदगी होगी, कंपनी का नाम खराब होगा और मार्केट के अंदर ये जेस्चर जाएगा कि ये जो कंपनी है ये अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को लेके सीरियस नहीं है, डिलीवरी ऑन टाइम नहीं देती। तो आपकी डोमेन के अंदर आप जितना काम कर सकते हैं आप जो है उतना ही काम करें और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो प्रॉमिस करें। जस्ट अ मिनट, आई विल बी बैक।
चले बच्चों माजरत, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कंसीडर, डोंट मेक प्रॉमिसेस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आगे है डोंट मेक अनट्रू डैमेजिंग और इल और एलिगेशंस, बिकॉज अ लेटर इज अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड अ प्रूफ ऑफ इंटेंशन। जब भी आप किसी को भी या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई लेटर जो है वो इशू करते हैं, वो आप एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ होता है जो सारी जिंदगी जो है वो उस बुक का या उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनता है। तो अगर आपको पता भी हो कि किसी इंसान का कसूर है, तो लेटर के अंदर बजाय कि आप किसी को ब्लेम करें जिसकी वजह से उसकी एक गलती की वजह से उसका पूरे का पूरा जो करियर है वो खराब हो जाए, आप सिर्फ अपनी कंप्लेन बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर एक इनफॉर्मल तरीका देखें तो आप लोग मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, करते हैं आप लोग? यस सर। तो कई बार ये होता है कि जब हम ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हमारे पास गलत प्रोडक्ट आ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जी दिस इज द प्रोडक्ट, मेरा जो ऑर्डर है वो गलत है, काइंडली जो है मेरा जो ऑर्डर है इसको सही कर दें। हम उसके अंदर किसी की गलती नहीं निकालते कि फलाह ने, अहमद ने, अली ने, इसने जान के जो है ये मेरा प्रोडक्ट जो है ये खराब हो गया। सिमिलरली बाकी केसेस में भी कोशिश ये करें लेटर लिखते वक्त लोगों की इंटेग्रिटी का ख्याल रखें। इन केस किसी से अनइंटेंशनली कोई गलती हो गई है तो आप गलती को मेंशन करें बजाय इसके कि आप लोगों को ब्लेम करें और सोल्यूशन की तरफ जाएं कि दिस विल बी द सोल्यूशन, वो भी साफ प्रपोज करें। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले जो लेटर के अंदर चीज आती है दैट इज बेसिकली लेटर हेड, यानी कि आप स्टार्ट करते हैं लेटर कि आप जिसको लेटर आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग इन स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, आप फी रीइंबर्समेंट के लिए लिख रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी से बाहर किसी डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, जॉब के लिए कोई कवर लेटर लगा रहे हैं, तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज लेटर। उसके नीचे एक चीज़ लिखी हुई है रेफरेंस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अभी मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ रेफरेंस होता क्या। ये हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, यहाँ पे मैंने लिखा द रजिस्ट्रार ऑफिस AFUTIT। ठीक है, राइट साइड पे आप यहाँ पे लिखें जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसका एक रेफरेंस नंबर चल रहा है। हम रेफरेंस नंबर लिखते कैसे हैं, रेफरेंस नंबर ऐसे डालने हैं आपने, रेफरेंस इस पहले इसको चेक कर लेने ना, रेफरेंस नंबर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है AFUEIT, उसके बाद स्लैश उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो विदिन डिपार्टमेंट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट का आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं आप या DMS से हैं तो यहाँ लिख रहे हैं आप DMS स्लैश। उसके बाद आएगी ये ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल इट्स 21, और उसके बाद लेटर का नंबर आ जाएगा। 2021 में DMS ने डिफरेंट जगह पे बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो नंबर चल रहा है वो आपके पास है, तो यहाँ पे थे ये आपके पास आ जाएगा इसका रेफरेंस नंबर। ये आगे फॉर एग्जांपल ये इस वक्त 31वां लेटर है तो देयर इज 31, ये आ गया। इस तरह से जो है वो आप रेफरेंस नंबर डालते हैं। इस रेफरेंस नंबर का फायदा ये है कि इस लेटर का आपने कोई भी रिमाइंडर भेजना है बाद में या कोई और चीज करनी है तो आप जस्ट रेफरेंस नंबर का हवाला देंगे और पूरे का पूरा लेटर जो है उसके साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपने ये लेटर पहले भेजा हुआ था उसको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये पहले से पता होगी बिकॉज उसके पास ये लेटर जो है ऑलरेडी मौजूद है। रेफरेंस नंबर से आगे चलें तो हम डेट डालते हैं इसमें कि कौन सी इस वक्त डेट चल रही है। रिसीवर्स का नेम और एड्रेस जो है वो इसके अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद जो है सॉलिटेशन रिमार्क्स,
डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हाय, हेलो, ये सारे। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर जो है ये लेटर लिखने जा रहे हैं। उसके बाद मेन बॉडी होती है आपके पास, बॉडी के अंदर सारी चीजें जो है वो आप इंक्लूड करते हैं, पैराग्राफ्स डालते हैं इसके अंदर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेज होते हैं कि आप लेटर को एंड में कॉम्प्लीमेंट्स के साथ क्लोज करते हैं कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, थैंकिंग इन एडवांस, ये सारी चीजें। एट द एंड यू विल साइन इट एंड देन सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन कि आप अपने जो है इंफॉर्मेशन एंड में प्रोवाइड करते हैं, और एक साइंड लेटर जो है उसकी वर्थ होती है। अगर आपने सारा लेटर लिखा है अपने नाम के आगे साइन नहीं किए, उस लेटर की कोई वर्थ नहीं है, ठीक है जी? तो वो एज अ ड्राफ्ट कंसिडर होगा। समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब बिजनेस लेटर क्या होता है? अ बिजनेस लेटर इज बेसिकली अ रिटन कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। जैसे पहले स्टार्ट के अंदर हमने बताया कि एक लेटर का जो स्कोप है वो बड़ा वाइड होता है। इट कुड बी फॉर्मल, इट कुड बी इनफॉर्मल, इट कुड बी पर्सन टू पर्सन। लेकिन बिजनेस लेटर जो होते हैं ये मोस्टली जो है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरी कंपनी को लेटर लिखती है किसी बिजनेस पर्पज की वजह से, तो उसको बिजनेस लेटर का नाम दिया जाता है। हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर, अब वही बात आपके पास। सॉलिटुएशन रिमार्क्स, द सॉलिटुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लेटर। द चॉइस ऑफ राइट सॉलिटुएशन डिपेंड्स ऑन वेदर यू नो द पर्सन यू आर राइटिंग एंड हाउ फॉर्मल योर रिलेशनशिप इज। अब सॉलिटुएशन रिमार्क्स जो हैं ये उसी वक्त आप लिख सकते हैं जब आपको पता होगा सबसे पहले कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, यानी कि आपका होमवर्क कैसा है। जो बंदा आके लेटर रिसीव कर रहा है वो मेल है या फीमेल है, उनका अगर आपको नाम पता है या नहीं पता, उनका डेजिग्नेशन पता है या नहीं पता, उस हिसाब से अप्रोप्रिएट सॉलिटुएशन रिमार्क को हम चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ नॉर्म सेट हैं, ये कुछ रेज हैं जिस तरह से आप जो है वो ऑफिशियल लेटर जो है वो लिख सकते हैं। When you don't know to whom you must address a letter, for example, when writing in an institution. For example, आप किसी इदारे को एक लेटर लिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आगे उस इदारे में वो लेटर किसको जाना है, यानी कि वो HR सेक्शन में जाना चाहिए, प्रोडक्शन में जाना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का पता है, तो आप ऐसे लेटर को डेयर सर या डेयर मैडम से स्टार्ट करने की बजाय लिखते हैं टू होम इट मे कंसर्न। ये अक्सर आपने देखा होगा इंटर्नशिप लेटर्स के ऊपर जो है ये लिखा होता है। इंटर्नशिप लेटर मोस्टली टू होम इट मे कंसर्न से शुरू होते हैं, जिसमें बताया ये होता है कि ये जिसका भी कंसर्न है हम उसको ये बता रहे हैं कि इस बच्चे ने यहाँ पे 4 वीक्स इंटर्नशिप जो है ये कंप्लीट की है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डजंट नो कि बच्चे ने यूनिवर्सिटी में कहाँ पे ये लेटर जो है ये सबमिट करवाना है। दैट्स व्हाई दिस लेटर स्टार्ट्स विद टू होम इट मे कंसर्न। उसके बाद अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सन का भी पता है, यानी कि आप डियर सर या डियर मैडम उस केस में लिखते हैं, यूज व्हेन राइटिंग अ पोजीशन विदाउट हैविंग द नेम कॉन्टेक्ट। आपको पता है कि ये लेटर HR में जाना है लेकिन आपको जो HR का हेड है उस बंदे का नाम नहीं पता, या वहां पे जो ऑफिस ऑफिसर था उनका वो एक फीमेल थी, तो आप क्या करेंगे, डेयर सर स्लैश डेयर मैडम, दोनों में से जो भी होगा ये उसके बिहाफ पे लिखा जाएगा। उससे आगे अगर आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आप थोड़ा सा और इनफॉर्मल हो जाएंगे। जब आपको किसी मेल पर्सन का कॉन्टेक्ट नेम पता होगा और आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लिख रहे होंगे तो आप उसका नेम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिख देंगे डेयर मिस्टर ऑन, ठीक है, जो भी उसका नाम था। इसी तरह अगर वो फीमेल थी तो आप लिख देंगे डियर मिस अरीसा या जो भी उनका नाम हो, ठीक है जी? तो ये हो गया। मिसेज का जो कॉन्सेप्ट है अब ये ऑब्सोलीट हो गया है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो मैरिड है अनमैरिड है मिस ही लिखा जाता है, ठीक है जी? उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको उनका डेजिग्नेशन भी पता है कि वो डॉक्टर हैं तो आप लिख देंगे डियर डॉक्टर ऑन, अगर वो प्रोफेसर थे तो आप लिख देंगे डियर प्रोफेसर अली, इसी तरह डेयर आसिफ मजीद। दिस टाइप ऑफ फुल नेम इज यूज्ड व्हेन यू आर अनश्योर ऑफ द रिसिपिएंट जेंडर। अब आपको नहीं पता, कोई नाम जो है वो ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, वो मेल्स के लिए भी होते हैं फीमेल्स के लिए भी होते हैं, कुछ नाम ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसबा एक ऐसा नाम है मेल्स के लिए भी यूज होता है, फीमेल्स के लिए भी यूज होता है। इन दैट केस आप पूरे का पूरा नाम लिख देना, मिस लिखें
ना सर लिखें, वो नाम लिखते डियर मिसबाउल हक या मिसबा अहमद, तो वो मेल होंगे तब भी ठीक है, फीमेल होंगी तब भी ठीक है। आगे चलते हैं जी, इसके आगे है जी लेस फॉर्मल बट स्टिल प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग द लेटर। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेटर लिख रहे हैं तो आप जो है लोगों को जानते होते हैं, यू आर फेमिलियर विद द पीपल, तो आप उनसे जो है जरा लेस फॉर्मल होते हैं, थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं। इन दैट केस आप बहुत ज्यादा लोगों को एक ग्रुप के अंदर ईमेल कर रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे डियर कोलीग्स। अगर अपनी आप सिंगल फीमेल कोलीग को लिख रहे हैं तो आप उनका नाम लिख देंगे डियर मिशेल, मेल कोलीग को लिख रहे हैं तो डियर मुजम्मिल। इस तरह से जो है जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं तो आप इस तरह से मेंशन करते हैं। आगे चलते हैं, अब है इनफॉर्मल लेटर्स। ये क्या होते हैं इनफॉर्मल और द पर्सनल लेटर्स? दीज सॉलिटेशन शुड बी यूज्ड व्हेन पीपल यू आर विद वेरी क्लोज एंड दे माइट नॉट बी ऑफेंडेड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं हेलो गाइज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिख देते हैं हाय। ये उस केस में यूज किया जाता है जब आपकी फॉर्मेलिटी जो है उसका लेवल बड़ा मिनिमम होता है, आप लोगों से बहुत ज्यादा क्लोज या अटैच होते हैं। तो ये फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, इट्स बेसिकली एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी आपके पास लेटर की एक टाइप है। देयर शुड बी अ कॉमा आफ्टर द सॉलिटेशन रिमार्क्स एंड कॉलन आफ्टर टू होम इट मे कंसर्न। बाकी जितने भी आपके पास सॉलिटेशन रिमार्क्स हैं जैसे ये हैं, सब के आगे कॉमा लगाते हैं आप, लेकिन जब टू होम इट मे कंसर्न लगाते हैं आप, उसके आगे जो है वो आप सेमी कोलन जो है उसको मैंशन कर देते हैं। नो फुल स्टॉप इज नीडेड आफ्टर मिस्टर मिस एंड डॉक्टर, ठीक है, इनका नाम मेंशन करके उसके आगे जो है वो आप कॉमा डाल देते हैं। द फॉर्म ऑफ मिसेज इज आउटडेटेड, ये ओल्ड फैशन हो गया, आप मिसेज का जो है इसको यूज नहीं करते। और इस चीज का ख्याल रखना है कि अवॉइड एक्सक्लेमेशन रिमार्क्स इन सॉलिटेशन, यानी कि हाय के आगे आप ये एक्सक्लेमेशन रिमार्क नहीं डाल सकते। एक्सक्लेमेशन रिमार्क्स का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा गमजदा हैं। लेटर के अंदर तो आपको ये सारी फीलिंग जो है ये एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो इसका ख्याल रखना है कभी भी उसके आगे जो है वो एक्सक्लेमेशन रिमार्क नहीं डालना। स्टार्टिंग योर लेटर, देयर आर टू वेज इन व्हिच बिजनेस लेटर्स यूजुअली स्टार्ट। दे मेक द रेफरेंस टू द प्रीवियस कॉन्टेक्ट और दे स्टार्ट्स विद द न्यू। अगर आपका लेटर लिखने से पहले फोन के ऊपर कोई कोरेस्पोंडेंस हुई है उस बंदे से, आपने उसको मैसेज किया है, आपने उसको ईमेल किया, या उससे पहले कोई आपकी पर्सनल मीटिंग हुई है, या आप उसको ऑलरेडी एक लेटर लिख चुके हैं, तो आप सबसे पहले उसका हवाला देंगे कि विद रेफरेंस टू आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन, या विद रेफरेंस टू आवर प्रीवियस करस्पॉन्डेंस, या विद रेफरेंस टू आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, विद रेफरेंस टू आवर पर्सनल मीटिंग। तो आप इस तरह से जो है वर्ड्स को यूज करें, नहीं तो फिर आप जो है वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट के तौर पर जो है, यानी कि पहली दफा जो है वो उसको स्टार्ट कर रहे हो। Making reference to the previous contact. अगर आप पिछले लेटर का हवाला दे रहे हैं तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि we are writing या I am writing in this regard. Your inquiry about this problem was that our phone conversation. वही बात है कि with reference to our phone conversation. या in reply to your request I have done this. इस तरह से इसको start कर सकते हैं. Thanking you for contacting us. Now what is your query? इस तरह से जो है वो आप previous conversation का हवाला दे सकते हैं। Like आपको किसी ने letter लिखा, आप उसके जवाब में ये letter लिख रहे हैं, तो आप जाहिर है उसके letter का हवाला देंगे कि आपने मुझे ये लिखा था, now I am writing this. Now how to start the letter? There are some contents for recipient of the first time. अगर आप as a first recipient जो है वो letter लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि I am writing this letter to for this particular inquiry or for particular information. I am writing this to inform you that I am writing this to confirm that today is off, yeah, today is the holiday. I am writing this to inquire about the incident happened last night. Yeah, I am writing this to complain about the last year's event. Yeah, I am contacting you for this specific reason, yeah, for the following reason. I recently heard about your health and it's not good. इस तरह से जो है वो आप लेटर को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लेटर के स्टार्ट के अंदर ये जुमले लगाएंगे तो ये आपका जो लेटर है वो बहुत प्रोफेशनल लगेगा, और जो उसको रिसीव करने वाला है वो ये ज्यूम करेगा कि यू नो हाउ
टू राइट द बिजनेस लेटर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ लेटर्स. इसके अंदर अभी तक कोई परेशानी, कुछ समझ ना आई हो चीज? जी, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, आगे चलते हैं फिर. When you are making a request in a letter, these are the lines that you should start your letter with. For example, when you are making a request, आप इस तरह से letter को शुरू करें. We would appreciate it if you would do this, या if you have provided us this, या if you have processed the salary early. I would be grateful if you could do this. Could you please send me the relevant documents, या required information. Could you possibly tell us the reason for the incident? It will be helpful if you could send us the relevant documents. Ya koi aur cheez. To jab bhi aap request kare kisi bhi letter ke andar, to ye wo line hain jin se jo hai wo aap letter ko jo hai wo start kare. Iske baad aage chalte hain hum. Aage hai information, yani ki aap kisi ko good news de rahe hain. To aap letter, jab bhi aap kisi letter ke andar kisi ko bataye, for example aapne university ke andar staff rakha tha, usko permanent kar diya, तो आप लिखेंगे कि वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट एवरीवन इज परमानेंट फ्रॉम दिस डे. आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि जी हम उनको गर्मियों की छुट्टियां दे रहे हैं. यूनिवर्सिटी इज प्लीज टू अनाउंस द समर वेकेशन. यूनिवर्सिटी के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, यूनिवर्सिटी इज प्लीज टू अनाउंस दैट स्पोर्ट्स गाला इज फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. इस तरह से या आप कोई सिंगल बंदा लिख रहा है तो आप लिख देंगे आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट यूनिवर्सिटी इज डूइंग दिस. जब आप किसी को अच्छी न्यूज दे रहे हो तो आप इस तरह से लिखेंगे. Contrary, दूसरी साइड पे न्यूज़ अच्छी तो नहीं होती हमेशा. इट कुड बी अ बैड न्यूज़ ऑल्सो. वैन यू आर गिविंग अ बैड न्यूज़ यू विल राइट एज वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट. तो आप उसके अंदर क्या है कि आप भी न्यूज़ के पार्ट का हिस्सा बन रहे हैं कि हमें भी दुख है कि ये एक बैड न्यूज़ है. वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर. आपने अक्सर देखा होगा कि जॉब रिजेक्शन से जब भी ईमेल आती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, यानी कि जो बताने वाला है वो खुशी से नहीं बता रहा, वो भी आपकी इस बैड न्यूज़ के अंदर शामिल है तो वो रिग्रेट करेगा. या आई एम अफ्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू प्रोसेस द ऑर्डर्स ऑन डेट, यानी कि ऑर्डर देर से हो रहे हैं. तो आप उस केस में जो है वो आप अपनी डर का इजहार कर रहे हैं अपने कस्टमर के साथ. अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू एंटरटेन योर रिक्वेस्ट. ये अक्सर हमें फ़ोन कंपनीज, ये जितने भी ऑनलाइन हम टिकटिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई मसला आ जाए तो उनका ये एक ऑटो जनरेटेड ईमेल होता है. अनफॉर्चुनेटली एट दिस टाइम वी आर अनएबल टू प्रोसेस दैट. ठीक है, तो एक बैड न्यूज वो आपको दे रहे होते हैं. या जब आप अगेन रिजेक्ट होते हैं तो बताते हैं कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन वी हैव डिसाइडेड दैट कि देर इज नो करंट पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी सो वी आर नॉट ऑफरिंग यू द जॉब. ठीक है, इस तरह से जो है वो बैड न्यूज दी जाती है. अब ये था कि आप लेटर को शुरू कैसे करते हैं. लेटर को शुरू करने के साथ साथ आपने लेटर को एंड भी करना होता है. सो हाउ टू एंड योर लेटर. जब भी आप लेटर को एंड करते हैं तो लेटर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कवर लेटर लिखा, उसके साथ आपने अपनी सीवी अटैच की, अपनी एफएससी की डिग्री अटैच की, बीएससी की डिग्री अटैच की. तो आप लिखेंगे इनक्लोजर्स, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड. ये लिखने के बाद सब उनको नंबर कर देंगे. नंबर वन एफएससी डिग्री, नंबर टू बीएससी डिग्री, नंबर थ्री फ्लान डॉक्यूमेंट. तो दीज आर बेसिकली द इनक्लोजर्स. ऑफरिंग फ्यूचर असिस्टेंस, और एंड के अंदर आप एक लाइन लिख देंगे कि इफ यू रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज लेट अस नो. या अक्सर लिखा होता है प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इन केस एनी क्यूरी. इसके अंदर जो है वो आप एक ओपन जेस्चर देते हैं जिसके अंदर आप जिसको आपने लेटर भेजा है उसको एक मौका देते हैं कि अगर उस लेटर के अंदर उसको कोई चीज समझ नहीं आई तो वो वापस जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद है जी रेफरिंग टू द फ्यूचर कांटेक्ट. फ्यूचर के लिए आप उसके साथ कोई कमिटमेंट कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम योर साइट सून. या आप उसके साथ लिख सकते हैं कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू एट दिस डेट. वी वुड अप्रिशिएट इफ यू रिप्लाई अर्लीस्ट एट योर कन्वीनियंस. ठीक है जी, इस तरह से जो है वो आप रेफरेंस देंगे फ्यूचर कम्युनिकेशन. उसके बाद है क्लोजिंग. द क्लोजिंग सॉलिटुएशन मस्ट मैच द ओपनिंग सॉलिटुएशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना फॉर्मल या इनफॉर्मल आप स्टार्ट के अंदर थे
उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड के अंदर भी उतना ही होंगे, उसी हिसाब से लिखेंगे। ये नहीं है कि ऊपर फॉर्मल है और एंड के अंदर इनफॉर्मल हो गए, ठीक है। सो द क्लोजिंग सॉलिटुएशन मस्ट मैच द ओपनिंग सॉलिटुएशन एंड ऑल द एंड ओवरऑल वन ऑफ द लेटर। चूज वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग लाइंस डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉलिटुएशन। अब ये कौन सी, वही जो मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताई थी कि आप लिखेंगे योर सिंसेयरली या सिंसेयरली योर रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो योर सिंसेयरली सिंसेयरली या रिस्पेक्टफुली कब लिखते हैं, यूज व्हेन यू हैव स्टार्टेड विद डियर। जब आप डियर से शुरू करेंगे, डियर सर डियर मैडम और टू होम इट मे कंसर्न, एंड में आप लिखेंगे योर सिंसेयरली। और जब आपने डियर के आगे नाम लिखा होगा यानी कि आप और ज्यादा उसको जानते हैं, तो आप जस्ट सिंसेयरली लिखेंगे, योर विनय लिखेंगे। हजरत आगे चलते हैं जी, लेस फॉर्मल बट स्टिल प्रोफेशनल। आप लिख देते हैं काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स या सिर्फ रिगार्ड्स। जब आप अगेन बिजनेस टॉक्स हैं आपके, आपको नहीं पता कि कितने लोग आगे सुन रहे हैं या कितने लोगों को वो जा रही है, तो आप लिख देते हैं काइंड रिगार्ड। या आप लिख देते हैं बेस्ट विशेस, आप थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाते हैं। सो दिस इज द जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यहाँ सिग्नल नहीं है सर, मोबलिंग के और सर ना जोंग के सर, तो बिजली भी चली गई है सर। यहाँ बिल्कुल कट हो रहा है, बार बार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ फिर भी कट हो रहा है सर। ये आपकी आवाज़ भी सर सही तरह नहीं आ रही है सर। आपकी तो बिल्कुल क्लियर आ रही है मुझे आवाज़, इसका मतलब है कि सिग्नल ठीक आ रहे हैं। सर थोड़ी देर चल रही है फिर बार बार मीटिंग एंड हो रही है सर। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिर देख ले, चार पाँच दफा मेरा मीटिंग एंड हुआ है सर। थोड़ा चल रहा है फिर मीटिंग एंड हो रहा है सर। मैं ज्वाइन तो हूँ अभी सर, फिर बाद में एंड हो जाएगा सर। कोई नहीं, अभी आप ज्वाइन रखें। आपकी मुझे बहुत अच्छी है और क्लियर आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि देयर इज नो सिग्नल प्रॉब्लम टिल दिस सेकंड। अब आगे जाके वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाए तो तब की तब देखेंगे। अभी आ रही है ना मेरी आवाज आपको? जी जी सर। बस द पॉइंट इज दिस, जब तक आ रही है सुनते जाएं। आगे चलते हैं जी, द इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में क्या होगा, जब आप लोगों से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, वो आपके कलीग्स हैं या दोस्त हैं, तो आप लिख देते हैं एंड में जस्ट बेस्ट या हग्स या चीयर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस तरह के वर्ड जो है वो आप यूज कर रहे होते हैं, बिकॉज रिसिपिएंट वो हैं जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं या आपके फ्रेंड्स हैं। सो दिस इज द इनफॉर्मल, ठीक है जी। तो उन लोगों के साथ जिनके आप क्लोज हैं उनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, कितने टाइप्स के होते हैं? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप इज एप्लीकेशन लेटर, आप किसी भी फोरम को एप्लीकेशन दे रहे हैं। कंप्लेंट लेटर, आप किसी भी फोरम के ऊपर किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट लेटर, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट और अ प्रोडक्ट और सम काइंड ऑफ अ थिंग, तो यू आर रिक्वेस्टिंग, यू आर राइटिंग अ रिक्वेस्टिंग लेटर। इसके बाद एक ऑर्डर लेटर होता है, आप किसी से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो दिस इज द ऑर्डर लेटर। एंड फिफ्थ इज अ सेल्स लेटर, आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एक लेटर जनरेट कर रहे हैं, सो दैट इज अ सेल्स लेटर। पर्पज ऑफ बिजनेस लेटर, ये डिफरेंट पर्पजेज बताए हुए हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स जिनके अंदर बताया गया है कि इस तरह के लेटर्स हो सकते हैं। रिक्वेस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इस टाइप के हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेल कवरिंग लेटर्स ये होते हैं। ऑर्डरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर आप चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, ये ऑर्डर लेटर होता है। एक्नॉलेजिंग समवनस एफर्ट, तो उसको एक्नॉलेजमेंट लेटर कहते हैं। कन्फर्मिंग इन्फॉर्मेशन, उसको कन्फर्मेशन लेटर कहते हैं। जब आपकी कहीं पे जॉब हो जाती है तो वहां से आपको एक कन्फर्मेशन लेटर आता है उनका, यानी कि वो आपकी सीट को कन्फर्म कर रहे होते हैं, तो इसको कहा जाता है कन्फर्मेशन लेटर। उसके अलावा आपके पास न्यूज़ लेटर्स होते हैं, गुड न्यूज़ है बैड न्यूज़ है। उसके बाद आपके पास कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, आप बैंक की किसी सर्विस से नाखुश हैं, आप उन्हें कंप्लेन लिखते हैं, तो ये कंप्लेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर, आपकी कंप्लेन के रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्डेंट होता है आपका, जिसको आपने कंप्लेन की हुई है, वो उसका जवाब देता है, जो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट लेटर, वो एडजस्ट करता है आपकी कंप्लेन। उसके बाद परचेज कवरिंग है, परचेज लेटर है, आपने कोई भी चीज परचेज करनी है उसके लिए है। रिकमेंडेशन लेटर है, दीज लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जब भी आप हायर स्टडीज के लिए पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, तो जहां पे आप अप्लाई करेंगे वो आपको कहेंगे कि अपने टीचर या प्रोफेसर से एक या दो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो लिखवा के।
उन रिकमेंडेशंस के अंदर आपके टीचर्स आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं अगले बंदे को कि ये जो स्टूडेंट है ही इज अ शाइनिंग स्टूडेंट, फील्ड ऑफ रिसर्च आप, तो इस लेटर को जो है वो रिकमेंडेशन लेटर कहा जाता है, तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद होते हैं आपके पास कलेक्शन लेटर परसुएडिंग टू रिसीव समथिंग, तो आप जो है कलेक्शन लेटर्स के अंदर क्या होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप जो आप ले रहे हैं उसके अंदर विद इन दैट लेटर डिफरेंट लेटर्स की इन्फॉर्मेशन होती है तो उनको रिसीविंग देते हैं, सो दैट इज बेसिकली कलेक्शन लेटर। अब चेकलिस्ट फॉर राइटिंग द लेटर्स, सबसे जो पहला स्टेप है जब भी आपने लेटर लिखना है जैसे ऐसे राइटिंग में था वो अगेन है थिंकिंग स्टेप, कि आपने सोचना है क्या है, इज दिस अ सिचुएशन, इज दिस अ प्रॉब्लम, इज दिस एन इशू और इज दिस एन अपॉर्चुनिटी, उस हिसाब से आप लिखें। एक्सप्रेस एज क्वेश्चन कि व्हाट आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिजनेस लेटर फॉर्मेट्स इन दिस रिगार्ड एंड देयर कंपोनेंट्स, कि इस मौके के ऊपर सबसे बेहतरीन बिजनेस लेटर कौन से हैं दुनिया में मौजूद हैं, तो उनके फॉर्मेट्स कौन से हैं। Have I produced ideas to solve the situation? अगर आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर लिख रहे हैं तो आपको इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आपके लेटर के अंदर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी प्रपोज आपको करना चाहिए, आपको डेडलॉक की तरफ नहीं जाना। Have I examined, checked for the ethics, revised and selected? क्या आपने सॉल्यूटेशन रिमार्क्स चेक किए हैं, एथिक्स चेक किए हैं, क्या आपने हेलो हाई किया है, सेहत तबीयत पूछी है, उसके बाद शुरू किया है। उसके बाद है प्लानिंग का स्टेप, वंस यू आर डन विद द थिंकिंग द सेकेंड स्टेप इज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होगा कि फंक्शन ऑफ राइटिंग कि कैसा हो, एक्सप्रेसिव हो, पोएटिक हो, ट्रांजेक्शनल हो, इंफॉर्मेशनल हो, आस्किंग हो, कैसा हो। उसके बाद गुडविल एक्शन किस तरह से होने चाहिए, ऑडियंस कौन सी है, किसको लिख रहे हैं, मेन आइडिया आपका क्या है, पैटर्न कैसा होना चाहिए, हैव आई फॉलोड द रिवीजन राइट और द रेस्ट रिवीजन फॉर द आइडियाज, तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्लानिंग के अंदर आती हैं। और अगेन वही ACCA वाले रोल के कम्प्लीटनेसनेस होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेसनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, कोरेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए एंड कर्टेसी होनी चाहिए। फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, दुनिया के अंदर देर आर थ्री मेन फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस लेटर्स इनको फॉलो किया जाता है, इनके आगे फिर सब डोमेन। सबसे जो पहला फॉर्मेट है दैट इज नोन एज ब्लॉक फॉर्मेट, सेकेंड वन इज नोन एज मोडिफाइड ब्लैक फॉर्मेट, and the third one is known as semi block format। अगर आप block format की बात करें, हाँ जी ज्यादा तो नहीं हो रहा, is this enough? जी समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल सब समझ आ रही है और ठीक है सो इसको जो है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।